वेलकम बैक। सो आज हम आए बानेर हिल्स में ट्रैक करने के लिए, जो कि मेरा सेकंड वर्कआउट है। और आपको बताते हैं इस वीक में क्या हुआ और कैसे मैंने अपना 75 हार्ड कंप्लीट किया, तो वीक टू का पूरा अपडेट देते हैं आप। मेरे 75 हार्ड के सेकंड वीक का लास्ट डे और मैं गया बानेर हिल्स में ट्रैक करने के लिए। बानेर हिल्स इज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे सिटी और आप हमारा पुराना ब्लॉग भी देख सकते हैं। दिस इज अ गुड प्लेस टू हैंग आउट। इट इज गुड टू हैव योर फ्रेंड्स अराउंड यू मोटिवेटिंग यू एंड सपोर्टिंग यू व्हेनेवर यू आर टेकिंग सम चैलेंज लाइक दिस। और क्या बताएं आपको, यही बातें तो बाद में याद आएंगी। Week 2 has been all about consistency and pushing my limits, running those laps. It's not just about physical endurance, it's a mental game too. But that's the beauty of this challenge. It's as much about strengthening the mind as it is the body. What made this week most special is that my friends decided to join me in this journey and we crushed the running sessions. And it felt incredible every day. जब वो रफ्तार पकड़ ली, पे कर दे। किया ना, पे किया। छह के लिए दिया। चलो, दो आदेश का, दो राज का, दो मेरा। रुक रहा है तू बाद में नृत्य कर, रुक रहा सुई ए सुई मारते सुई सुई हो गया हो गया हो गया क्या किसका हो गया राहुल का राहुल का खेल का तू भी कर ले ले। आज से शुरुआत करनी है 21 किलोमीटर मैराथन के प्रिपरेशन की। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग करें। और अगर आप 75 हार्ड कर रहे हो तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना रेस्ट डे मिलता है, मतलब रिकवरी के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो बस आपके फर्स्ट वर्कआउट और सेकंड वर्कआउट में जितना टाइम है और बाकी जो टाइम मिलता है आपको, वही आपका रिकवरी टाइम है। इसलिए डाइट और आपका वर्कआउट और उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपना मसल सोर होने नहीं देना, क्योंकि आपका मसल अगर टाइट हो जाए, सोर हो जाए, तो इंजरीज भी हो सकते हैं। क्योंकि रोड रनिंग ज़्यादा करता था ना पहले से, तो ज़्यादा रनिंग करने की वजह से जैसे ही मतलब नॉर्मली पेन नहीं होता है अगर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागो तो, पर एक बार स्ट्रेन आ जाता है 7 किलोमीटर नहीं कि 5-6-7 लॉन्ग रनिंग करने लगे ना तो उसके बाद स्ट्रेन आ जाता है, तो उसके बाद मतलब होता ही नहीं है, चलने भी नहीं करता एकदम, पैर चला जाता है, वेट डी जाता है थोड़ा। पॉइंट आपको हिकड़ा है का पॉइंट मरवट ते इतना एक्चुअल समझो नहीं इतना इथुन ऐसे है पूर्ण पेनफुल होता है इथुन स्टार्ट होता है बैक साइड यहां पार्टला रास्ता पेनफुल होता है इथे आने इथुन मागुन स्टार्ट होता है। तो इस वीक में 2-3 बार मैं फुटबॉल खेलने गया टर्फ पे एज अ सेकेंड वर्कआउट। सो सेकेंड वर्कआउट हैज़ बीन फन दिस वीक। और कभी भी टाइम मिल जाए तो मैं 10 पेज बुक पढ़ लेता था। तो बुक के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। सो इट वॉज ऑल अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स इन द जिम। अपना फॉर्म ज़रा ठीक करने की ज़रूरत तो है, पर हैवी लिफ्टिंग की आदत थी पहले, तो बस वही ट्राई कर रहा था कि अपनी लिमिट कहाँ तक पहुँची है अभी, क्योंकि जस्ट रिसेंटली जिम ज्वाइन की है। सो बहुत फेलियर भी हुआ है, 140 पे फेल हुआ हूँ मैं डेडलिफ्ट में, और कुछ फॉर्म में करेक्शंस की ज़रूरत है। वर्कआउट में मेरा फोकस था स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग में। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि ही हैज कंप्लीटेड हिज 75 टफ डेज। तो आशु, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग योर माइलस्टोन, रीचिंग योर माइलस्टोन एंड मेनी मोर टू गो ब्रो। सो आफ्टर अ गुड वार्म अप सेशन आई वाज एबल टू रन फॉर 1 आवर। तो शायद 8.5 या फिर 9 किलोमीटर्स हो गया होगा, ट्रैक किया नहीं है, बस टाइमिंग देखा मैंने तो 1 घंटा आज भागा हो। तो मैराथन का जो प्रिपरेशन है, तो टारगेट मैंने सेट किया है कि 2 आवर 30 मिनट्स में 21 किलोमीटर मैराथन कंप्लीट करना है। तो
अभी 1 आवर रनिंग किया है तो नेक्स्ट वीक 1.5 आवर्स करेंगे और फिर उसके बाद 2 घंटा, मतलब वैसे ही ज़रा एक 1 मंथ तो मतलब कम है प्रिपरेशन करने के लिए 21 किलोमीटर्स, पर ठीक है शायद हो जाएगा अभी आज कॉन्फिडेंस आया है रनिंग करने के बाद। सो नीलेश तिवारी मुझे हेल्प करने वाला ज़रा लेग फ्री करने में। मैंने आदेश का हैमस्ट्रिंग और मोस्टली पूरा पैर फ्री कर दिया, तो आदेश कैसा था? अच्छा था, फ्रेश फील हो रहा है ना? तो जो लास्ट वीक आदेश भागने वाला था 1.5 घंटा कंटिन्यू, आदेश अभी भागने वाला है क्या? नहीं 75 हार्ड में जब आप बाहर आते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप बस एक चीज कर सकते हो, कॉफी पी सकते हो विदाउट शुगर। वो मस्त है तो कोई नहीं, गुड वन। तो आज का सेकंड वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और वीक टू भी खत्म हो गया है 75 हार्ड का। आपको ये सारे क्लिप्स दिखाए, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक भी यही सारी चीज़ें होगी, शायद मैराथन का और अच्छे से प्रिपरेशन होगा। चैलेंज तो ये है कि नेक्स्ट वीक तक मुझे एटलीस्ट 2 आवर्स रनिंग करनी है कंटिन्यूस, क्योंकि उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा मैराथन भागने के लिए। तो बस ऐसे ही था ये सेकेंड वीक और देखते रहिए।